आपको कैसा लगेगा अगर किसी इंसान के मरने के बाद उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाएं, फिर वो चाहे मर्द हो या फिर औरत, बच्चे हो या फिर बूढ़े, सबको न्यूड करके उनकी लाश को खुले आसमान में गिद्ध का खुराक बनने के लिए छोड़ दिया जाए। ये बात आपको बिल्कुल अजीब लगेगी अगर आप इस्लाम, सनातन, सिख, जैन जैसे धर्म को मानते हैं, लेकिन ये बात किसी पारसी के लिए बिल्कुल भी अजीब नहीं है क्योंकि ये उनके धर्म का हिस्सा है। क्या है इसका पूरा सच, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। ये अद्भुत दुनिया जहां एक तरह के इंसान रहते हैं, सभी में वही दो हाथ, दो कान, एक नाक जैसी सिमिलर चीजें पाई जाती हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन एक चीज डिफरेंट है और वो है उनका धर्म। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई तो कोई पारसी, धर्म अलग अलग है, इसलिए सभी धर्मों के रीति रिवाज, उनके तौर तरीके, जैसे प्रेयर्स का तरीका, शादी का तरीका और अंतिम संस्कार का तरीका भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में डेड बॉडी को जला दिया जाता है या किसी नदी में बहा दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है, इसे लेकर लोगों के अपने अलग अलग तर्क है, लेकिन जलाने वाली प्रथा को ज्यादा मान्यता दी जाती है और जिस पर्टिकुलर प्लेस पर जलाया जाता है उसे शमशान कहते हैं। इस्लाम में यानी मुसलमान मरने वालों को कब्रिस्तान में दफन करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। ईसाई धर्म में भी मरने वाले को कॉफिन बॉक्स में डालकर कब्र में दफना दिया जाता है, लेकिन पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मरने वाले को ना तो जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है और ना ही पानी में बहाया जाता है, बल्कि उन्हें न्यूड करके उनके पूरे कपड़े उतार के, फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, उन्हें डूंगरवाड़ी, टावर ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और यह पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का तरीका है। पारसी लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस बात को समझने से पहले थोड़ा पारसी धर्म के बारे में समझ लेते हैं। पारसी जरथुस्ट को पैगंबर मानते हैं और इन्हें पारसी धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैसे इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर माना जाता है, ईसाई में ईसा को पैगंबर कहा जाता है। पारसी का कहना है कि जब जरथुस्ट दुनिया में नहीं आए थे उस टाइम ईरानी लोग देवा यसना की पूजा करते थे। यहां देवा का मतलब देवता नहीं बल्कि शैतान है। उस टाइम लोगों का मानना था कि शैतान की पूजा करने से किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी परेशानी बहुत ही जल्द दूर हो जाती है। फिर जरथुस्ट दुनिया में आए और उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम्हें देवा यसना को नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वो शैतान है, बल्कि विजडम की इबादत करनी चाहिए। विजडम मतलब आहुर माजदा, पारसी धर्म के ईश्वर को पूजना चाहिए। आहुर माजदा को लॉर्ड ऑफ विजडम भी कहा जाता है। बाकी धर्म जैसे इस्लाम, सनातन और ईसाई में सबका अपना अलग अलग एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन पारसी में जरथुस्ट ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि पांच गाथा यानी हमिंग गाकर लोगों को सही और गलत का रास्ता बताया, जिसमें से पहली गाथा जिसे आहुना वाइती कहते हैं, जो एक तरह का प्रेयर है, उसे मरने वालों के लिए सबसे अहम बताया गया है, जिसे मरने के वक्त और डेड बॉडी को नहलाते हुए गाया जाता है। पारसी का कयामत आएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी इस बात पर यकीन है। कोई किसी गैर पारसी से शादी नहीं कर सकता। पारसी धर्म में सन्यास, फकीरी, गरीबी जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता। पारसी हर दिन अपनी प्रेयर में कहते हैं यथा आहु वेरियो, इसका मतलब है वादा करते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे। पूरी दुनिया में टोटल 1,15,000 के करीब लोग पारसी धर्म को मानते हैं और इनकी टोटल आबादी का 40% हिस्सा सिर्फ मुंबई में रहता है। पारसी धर्म में 30% मर्द और 28% औरतें शादी नहीं करती हैं क्योंकि इतनी कम आबादी होने की वजह से उन्हें परफेक्ट मैच ही नहीं मिल पाता। पारसी मिट्टी और पानी को पवित्र मानते हैं जबकि आग को सन ऑफ गॉड कहते हैं। उनका मानना है कि आहुर माजदा सब जानता है लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है और आहुर माजदा लोगों को मौत नहीं देता बल्कि मौत देना शैतान का काम है। मरने के बाद जब आत्मा बॉडी से निकल जाती है तो डेड बॉडी में शैतान आ जाता है और इससे बॉडी अपवित्र हो जाती है। यही वजह है कि पारसी ना तो बॉडी को जलाते हैं, ना ही पानी में बहाते हैं और ना ही मिट्टी में दफनाते हैं क्योंकि वो इन तीनों चीजों को पवित्र मानते हैं। ये है पारसी धर्म के कुछ बेसिक्स जो उनके जिंदा रहने तक फॉलो किया जाता है, लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है तो फिर शुरू होता है अंतिम संस्कार का रीति रिवाज। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का तरीका बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग है।
और ये 4 दिनों तक चलता है। पहले डेड बॉडी को तैयार करके बंगली में ले जाया जाता है और फिर डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और आखिरी दिन यानी चौथे दिन मरने वाले के फैसले का दिन होता है कि वो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नम में। प्रोसेस क्या होता है, आइए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। जब किसी पारसी की मौत होती है तो उसके तुरंत बाद उसके घर वाले उसे छू सकते हैं, चूम सकते हैं, जो भी एक फैमिली मेंबर के मरने के बाद लोग किया करते हैं वो सब कर सकते हैं। फिर मौत की खबर बंगली में दी जाती है कि फला इंसान की मौत हो गई है। नशासालार आते हैं और बॉडी को बंगली लेकर जाते हैं। नशासालार वो लोग होते हैं जो बंगली में रहते हैं और किसी पारसी के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार के सारे क्रियाक्रम वही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नशासालार अपनी प्रार्थना से नशो यानी शैतान को अपने कंट्रोल में रखते हैं। जब बॉडी बंगली में पहुंच जाती है तो सबसे पहले मरने वाले के कपड़े को काट के हटा दिया जाता है, फिर उसे ठंडे पानी से नहलाया जाता है और अब बॉडी को नशासालार के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता। यहां तक कि उनके फैमिली और उनके रिश्तेदारों को भी 9 फीट दूर रहना होता है। नहलाने के बाद बॉडी पर गौमूत्र लगाया जाता है और फिर सफेद रंग का सदरा और पैजामा पहना दिया जाता है। इन सदरा और पैजामा को डायरेक्शन फाइंडर भी कहा जाता है। यह सब होने के बाद बॉडी को बंगली में मौजूद संगमरमर के एक स्लैब पर लिटा दिया जाता है और नशासालार हाथ में कीले लेकर बॉडी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। ऐसा करने का पर्पस यह होता है कि शैतान उस सर्किल के बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद एक कुत्ते को लाया जाता है और वो कुत्ता यह कंफर्म करता है कि मरने वाला इंसान कहीं जिंदा तो नहीं। अगर कुत्ता भौंकने लगता है तो उसका मतलब होता है कि मरने वाला अभी जिंदा है। जब यह सब हो रहा होता है तो 2 पारसी पुजारी जिन्हें अथोर नान कहा जाता है वो प्रेयर करते रहते हैं और दोनों खुद को एक दूसरे से बांधे रहते हैं। उनका मानना है कि शैतान 2 लोगों की ताकत देखकर डर जाता है और बाहर नहीं निकलता। इसके अलावा डेड बॉडी के पास फूल, चंदन और आग जलाई जाती है। माना जाता है कि चंदन की खुशबू के आगे शैतान कंट्रोल में रहता है और आग से दूर भागता है। पारसी धर्म में सनलाइट को बड़ी अहमियत दी जाती है, इसलिए सुबह सूरज निकलते ही बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक तरह की वही जगह है जैसे हिंदू धर्म में शमशान और मुस्लिम ईसाई धर्म में कब्रिस्तान होता है। टावर ऑफ साइलेंस को दखमा भी कहा जाता है, जो कि गोलाकार 21 फीट ऊंचा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 स्टेप होते हैं, पहला मर्द के लिए, दूसरा औरत के लिए और तीसरा बच्चों के लिए। इसके बीचों बीच एक गहरा गड्ढा होता है और उसके चारों तरफ 301 कीले लगी होती हैं। इसमें जाने के लिए सिर्फ गेट होता है जबकि ऊपर छत नहीं होती, ताकि गिद्ध डेड बॉडी को खा सके और उस पर सनलाइट भी पड़ सके। टावर ऑफ साइलेंस में डेड बॉडी को लाने के बाद उसके पूरे कपड़े उतार कर उसे न्यूड कर दिया जाता है, फिर वो चाहे औरत हो या मर्द, फिर उसके कपड़े को उसी बीच वाले गड्ढे में जला दिया जाता है और अब शुरू होता है गिद्धों का काम। गिद्ध डेड बॉडी को देखकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। वो उसे कितने दिन में खा जाएंगे वो डेड बॉडी की साइज पर डिपेंड करता है। पारसी मानते हैं कि 3 दिनों तक आत्मा वहीं रहती है और चौथे दिन डरकर बच्चे की तरह हो जाती है और चौथा दिन डे ऑफ जजमेंट का होता है। इस दिन आहुर माजदा के 4 जज जिन्हें यज्द कहा जाता है वो मरने वाले के अच्छे बुरे कामों के हिसाब से उनका फैसला करते हैं। मरने वाले ने अगर अच्छा काम किया होता है तो उसे सनलाइट के साथ स्वर्ग यानी हाउस ऑफ सॉन्ग में भेज दिया जाता है, लेकिन अगर बुरे काम किए होते हैं तो उसे खुद नर्क यानी हाउस ऑफ डिसीट में जाना होता है। गिद्ध जब पूरी तरह से बॉडी को खा जाते हैं तो बची हुई हड्डियों को उसी तरह बारिश और धूप में डीकंपोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिर में बॉडी का जो हिस्सा बच जाता है उसे नशासालार टावर ऑफ साइलेंस के बीच बने गड्ढे में डाल देते हैं जिसमें चूना और ब्लैक सॉल्ट होता है। 8 से 10 महीने में हड्डी का पाउडर बन जाता है और इस तरह एक पारसी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। हर धर्म का अपना अपना तरीका है और सभी को अपने तरीके ही सबसे बेहतर लगते हैं, लेकिन आप किस तरीके को सबसे अच्छा मानते हैं हमें भी बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।